नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। 14 जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जहां पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेलेब्स और फैंस अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हो चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉपुलर वकील ईश करण को इस मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए नियुक्त किया है। मुंबई कमिश्नर को सुशांत का घर सील करवाने का नोटिस भेजने के बाद ईश करण ने 22 जुलाई को एक डिजिटल प्रोटेस्ट की पहल की। इस प्रोटेस्ट में देश के 2 मिलियन लोगों समेत कुछ बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई, जिसमें कंगना रनौत, अंकिता लोखंडे, शेखर सुमन और मुकेश छाबड़ा ने भी सुशांत के लिए मोमबत्ती जलाकर समर्थन किया। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने और सीबीआई जांच की मांग पर बुधवार को रात 8 बजे ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था। सबसे पहले भाजपा सांसद स्वामी की तस्वीर सामने आई, जिसमें उन्होंने सुशांत के लिए मोमबत्ती जलाई। कुछ ही समय बाद मणिकर्णिका एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी तस्वीर शेयर की। कंगना सुशांत की मौत के बाद से इसे प्लान मर्डर बताते हुए कई बड़ी हस्तियों को उनका दोष ठहरा रही है। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारे के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को भी कई मौकों पर उनके लिए इमोशनल होते देखा जा चुका है। डायरेक्टर होने के साथ मुकेश सुशांत के अच्छे दोस्त भी हैं। अब जब पूरे देश ने सुशांत को न्याय देने की पहल शुरू की तो मुकेश ने भी उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने मोमबत्ती जलाते हुए तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग शुरू करने वाले सेलेब शेखर सुमन ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने घर में दिया जलाते हुए महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ा। साथ ही उन्होंने लिखा, सुशांत की याद में और उनके समर्थन में भगवान करे तुम्हें जल्दी न्याय मिले, सब बहुत याद कर रहे हैं, जहाँ भी हो खुश रहो। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी घर में दिया जलाते हुए उनकी खुशी की कामना की। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, आशा प्रार्थना और शक्ति, जहाँ भी हो मुस्कुराते रहो। अंकिता का ये कदम देख फैंस उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। वहीं ईश करण द्वारा शुरू की गई इस पहल में 8 बजते ही लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महज 2 घंटों में 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने #candle4ssr # के साथ ट्वीट करके इसे सबसे बड़ा डिजिटल प्रोटेस्ट बनाया। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अब तक 2 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन जताया है।